अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ योर आर्ट क्लास, और आर्ट क्लास हम सब की फेवरेट क्लास होती है। तो टीचर ने आज के आर्ट वर्क में बहुत ही अच्छा और मज़े का क्राफ्ट बनाया है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और वो देख सकते हैं आप। वो है एक एरोप्लेन। टीचर ने बनाया है एक एरोप्लेन, आपको भी इसी तरह बनाना है। और टीचर ने एक बहुत अच्छी मज़े की चीज़ की है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे बना? टीचर ने रिसाइकलिंग की है, ठीक है। टीचर ने ना जो पुरानी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं ना, जिन्हें हम फेंक देते हैं, टीचर ने उन्हें यूज़ करके बनाया है ये एरोप्लेन। तो आप सबको भी ये बनाना है, ठीक है। और टीचर अब बता देती हैं ये किस तरह बना है। ये बहुत सिंपल और इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बना। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से टीचर ने एक प्लास्टिक बॉटल ली है। ये वो सारी बॉटल्स हैं जो आप लोग लेकर आए थे, हमने एक्टिविटी करनी थी, लेकिन फिर स्कूल बंद हो गए तो हमें एक्टिविटी हम स्कूल में नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम वही एक्टिविटी घर पे बैठ के करेंगे। तो टीचर ने यहाँ से एक बॉटल ले ली है, प्लास्टिक बॉटल, ठीक है। अब इसको हम रिसाइकल करके क्राफ्ट वर्क करेंगे अपना। बॉटल ले ली है, प्लास्टिक बॉटल टीचर ने ले ली है। ये वही बॉटल है जो आप लोग लेकर आए थे, वही उन्हीं में से टीचर ने एक दी है, ठीक है। और ये हबीबा, टीचर ने नाम लिख दिए थे ना सबकी बॉटल्स पे, तो ये हबीबा की बॉटल टीचर ने ले ली है, ठीक है। टीचर ने ऐसे रैंडम ली है, ठीक है। उसके बाद टीचर ने एक कंप्यूटर पेपर ले लिया है, टीचर ने विंग्स भी कट करके रखे हुए हैं डेकोरेशन के लिए, सर्कल्स एंड ये वाले कंप्यूटर पेपर। एंड टीचर ने यहाँ पर ये एक विंग बनाया है, ठीक है। इसके लिए टीचर ने एक USU ले ली है ताकि टीचर इसे पेस्ट कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर पेपर ले लेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है। फ्रंट पर हम एक विंग लगा देंगे, हम इस पर USU लगा के, ग्लू कोई भी ग्लू जो आपके पास अवेलेबल है वो हम लगा कर इस पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इसके कैप के फ्रंट पर, ठीक है। तो हमारा ये प्लेन A4 एरोप्लेन रेडी है, ठीक है। सी, हमारा A4 एरोप्लेन रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, और अब आप इसे लाजमी बनाइएगा, ठीक है, और टीचर को दिखाइएगा। तो अब टीचर, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, टीचर को भी बहुत अच्छा लगा। अब टीचर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।